बेसिकली एलिगेशन डिनाई किए हम लोग ने कि ये गलत है, ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, एक बात है. दूसरी डिले की बात की है हम लोग ने, 10 साल रुकने की कोई वजह नहीं थी. द फैक्ट दैट शी हैज वेटेड फॉर 10 ईयर्स मीन्स देर इज समथिंग एल्स टू द होल स्टोरी. एंड हम लोग ने उनसे रिटर्न एपोलॉजी मांगी है, पब्लिक एपोलॉजी मांगी है. अगर नहीं दी तो 7 दिन के अंदर हम लोग आगे की कानून कार्रवाई करेंगे, ऐसा उसमें लिखा है. सर, जहाँ तक बात करें, आपने कहा कि 10 साल होने के बावजूद उन्होंने ऐसे एलिगेशन लगाए, क्या वजह लगती है? नाना से क्या बात हुई आपकी इस पूरे मामले को लेकर? नाना ने सभी बात कानून जो बात करनी है, जो नोटिस लिखना है, जिसके कंटेंट है, वो पूरी मेरे ऊपर छोड़ी. उन्होंने एक ही बात कही है कि मुझे कोई करने की वजह नहीं थी, ना मैंने किया है. सेट पे 50-60 लोग थे, अभी मैं मौजूद नहीं था, तो आई हैव टू गो बाय हिज वर्जन. 50-60 लोग मौजूद थे जब वो गाने की सीक्वेंस शूट हो रही थी. और ऐसे में मोलेस्टेशन करना या कोई गंदी हरकत करना कोई सवाल ही नहीं उठता. सर, उन्होंने कुछ नाम गिनाए हैं, बकायदा वो मौजूद थे वहाँ पे, ये सब जो जब इंसिडेंट हो रहा था. नहीं, ऐसा उसका कहना है, तो उन्होंने उसके ऊपर डिनाइल दी है कि मेरे वैनिटी वैन में था. आई एम नॉट डिनाइंग, मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूँ कि उनके पास प्रूफ नहीं. प्रूफ है तो फिर करो ना कार्रवाई. आप जाओ पुलिस में, आप जाओ ह्यूमन राइट्स पे जाओ, आप और बड़े ऑफिसर के पास जाओ, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करो. नोबडी स्टॉपिंग हर. प्रूफ अगर है आपके पास, जो आई विटनेसेस अभी सडनली जागे 10 साल के बाद, आप लेके जाइए, उनको एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी ना.